हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग रिसर्च में हम पढ़ रहे थे मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, नीड ऑफ डाटा, डाटा सोर्सेज, टाइप्स ऑफ डाटा, लेवल ऑफ डाटा, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन टूल्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा कलेक्शन टूल्स और वैलिडिटी, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम रिलायबिलिटी, पायलट स्टडी और डाटा कलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं रिलायबिलिटी से। रिलायबिलिटी मीन्स होता है विश्वसनीयता, यानी कि जो भी हम नर्सिंग रिसर्च के अंदर जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो हम इंस्ट्रूमेंट या टूल्स की मदद से करते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट और टूल्स विश्वसनीय होने चाहिए, उनकी वो रिलायबल होनी चाहिए, सही रीडिंग देने वाले होने चाहिए, उनकी सही वैल्यूज़ हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हमें उनकी रिलायबिलिटी चेक की जाए। तो रिलायबिलिटी होती क्या है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। तो इंस्ट्रोडक्शन में बताया है, रिलायबिलिटी इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द सेम वे ईच टाइम इट इज़ यूज्ड अंडर द सेम कंडीशन विद सेम सब्जेक्ट। यानी कि रिलायबिलिटी जो होती है वो इंस्ट्रूमेंट की कंसिस्टेंसी होती है, स्थिरता होती है, या वह डिग्री होती है जिसमें इंस्ट्रूमेंट को प्रत्येक समय में सेम वे में यदि कुछ भी मेजर किया जाए, या सेम कंडीशन में या सेम सब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी अगर मेजर किया जाए तो जो भी उसकी वैल्यूज हमें प्राप्त होगी वो कंसिस्टेंस प्राप्त होगी, यानी कि वो स्थिर प्राप्त होगी, यानी कि उसमें कोई भी चेंज हमको नहीं मिलेगा। तो इसे ही हम रिलायबिलिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द स्टेबिलिटी। रिलायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट्स की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ए मेजर इज़ रिलायबल व्हेन वी गेट द सेम रिजल्ट रिपीटली। कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम मेजर करते हैं तो वो रिलायबल जब होगा जब उसको बार बार उसका उपयोग करने पर उसके साथ हमें क्या है कि सेम रिजल्ट्स हमें प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं कि एक ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गेव ए रीडिंग ऑफ 120 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आफ्टर सम टाइम व्हेन ब्लड प्रेशर इज अगेन मेजर्ड फॉर द सेम सब्जेक्ट इट गेव ए रीडिंग ऑफ 160 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन दिस सिचुएशन दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कंसिडर्ड रिलायबल। यानी कि हमें एक ब्लड प्रेशर जो है मेजर करना है तो ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए यदि हम किसी का ब्लड प्रेशर कर रीडिंग लेते हैं तो एक बार में हमारी रीडिंग आती है 120 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा आता है, लेकिन कुछ समय बाद यदि हम उसी सेम सब्जेक्ट के ऊपर दोबारा अगर बीपी लेते हैं तो उसकी जो रीडिंग है 160 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यदि आती है तो इस सिचुएशन में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिलायबल कंसिडर नहीं होगा, यानी कि वह इंस्ट्रूमेंट रिलायबल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंस इसके अंदर हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो पहले 120 आया था और अब 160 आ रहा है, तो ज़्यादा डिफरेंस के अंदर दिखाई दे रहा है, लगभग 40 mmHg का डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत अंतर हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अंतर इससे ये शो होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका डेफिनेशन। रिलायबिलिटी इज द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी विद विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द एट्रीब्यूट फॉर विच इट इज डिजाइन टू मेजर। यानी कि पायलट और एंगलर इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी, इसमें बताया गया है कि रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी की वह डिग्री होती है जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स को मेजर किया जाता है एट्रीब्यूट्स को, यानी कि जो विशेषताएं होती हैं उनको मेजर किया जाता है और वही चीज़ मेजर की जाती है जिसके लिए उसको डिज़ाइन किया गया था। यानी कि जो चीज़ें जो विशेषताएँ जिनके लिए उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया है वही चीज़ क्या है कि वो सही तरीके से अगर हमें उसकी वैल्यूज़ हमें देता है तो वह रिलायबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरिंग ऑफ रिलायबिलिटी की। मेजरिंग ऑफ रिलायबिलिटी यानी कि रिलायबिलिटी को कैसे हम मेजर करते हैं, तो कुछ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके जरिए हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है उसकी रिलायबिलिटी हम मेजर कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है आपका स्टेबिलिटी, इसे हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो स्टेबिलिटी होती है वो चेक की जाती है, यानी कि बार बार रिपीटेड ट्रायल किया जाता है, यदि हमें सेम रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं तो वह इंस्ट्रूमेंट स्टेबल कहलाता है, जिसे हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी के जरिए चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द एक्सटेंट टू विच सिमिलर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन ऑन रिपीटेड
ट्रायल, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो यदि हम बार बार उसके रिपीटेड ट्रायल करते हैं तो उससे जो हमें रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं वो यदि सिमिलर आते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट स्टेबल कहलाता है। इन दिस टाइप ऑफ रिलायबिलिटी द सेम टूल इज एडमिनिस्टर्ड टू ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एंड लिस्ट टू सेपरेट ओकेजन। इसमें क्या होता है कि जो सेपरेट टू सेपरेट ओकेजन्स में हम क्या है कि सेम जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर सेम टूल को क्या है कि हम एडमिनिस्टर करते हैं। देन रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट फॉर टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी इज एस्टिमेटेड बाय द कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर्मूला। फिर देन जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट जो है वो टेस्ट रीसेट रिलायबिलिटी के जरिए हम कार्ल पर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर्मूले के जरिए उसकी जो स्टेबिलिटी है वो हम चेक करते हैं। तो इट इज़ कैलकुलेटेड बिटवीन द टू सेट ऑफ स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टूल ऑन टू सेपरेट ओकेजन्स। द वैल्यू ऑफ रियलिटी ऑफ कोएफिशिएंट अबव प्लस 0.80 इज यूजुअली कंसिडर्ड गुड। यानी कि जो भी स्कोर्स हमें प्राप्त होते हैं उन स्कोर्स को हम क्या है कि जो उनको हम टू सेपरेट ओकेजन्स के लिए क्या है कि उनको क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो फॉर्मूला है उसके जरिए हम कैलकुलेट करते हैं और यदि हमें जो वैल्यूज़ प्राप्त होती है रिलायबिलिटी की यदि वो कोएफिशिएंट यदि 0.80 से यदि अबव होती है तो वो उस तो उस वह टूल जो होता है हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, उसको एक्सेप्टेबल हम कर लेते हैं। यानी कि जो भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम टेस्ट रीसेट रिलायबिलिटी के जरिए हम कोएफिशिएंट कोरिलेशंस फॉर्मूला के जरिए जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उनको क्या है कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि उनका जो वैल्यूज़ हमें 0.80 से अबव आती है तो वह जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिलायबल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी की, जिसे हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कहते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शो कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑन सब पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एडमिनिस्टर्ड एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है वह यह शो करती है कि उसके जो सब पार्ट्स हैं उसकी जो परफॉर्मेंस की जो स्थिरता है किसी एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर वो इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो एडमिनिस्टर्ड की जाती है उसको क्या है कि हम इंटरनल कंसिस्टेंसी कहते हैं। यानी कि इंटरनल कंसिस्टेंसी निकालने के लिए हम कोई भी जो सब्जेक्ट होते हैं उसके दो सब पार्ट कर देते हैं और उस दो सब पार्ट की जो परफॉर्मेंस होती है जो वैल्यूज़ होती है उनको क्या है कि हम काउंट करते हैं। यदि उनकी जो वैल्यूज़ हैं यदि हमें सही प्राप्त होती है तो वह जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी वह इंटरनल कंसिस्टेंसी कहलाती है। इसलिए हम इसे स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कहते हैं क्योंकि हम इसे दो भागों में समान भागों में बांटते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट मे बी सेड टू बी इंटरनल कंसिस्टेंट और होमोजीनियस टू द एक्सटेंट दैट इट्स सब पार्ट मेजर द सेम ट्रेट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स को हम इंटरनल कंसिस्टेंट कहेंगे या उसे होमोजीनियस कहेंगे उस सीमा में कहते हैं तब उसके जो सब पार्ट्स हैं उसको यदि मेजर करते हैं तो उसके क्या है कि हमें सेम ट्रेड्स यानी सेम विशेषता हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट कॉमन मेथड फॉर असेसिंग द इंटरनल कंसिस्टेंसी इन स्प्लिट हाफ टेक्निक। सबसे ज़्यादा इसको इंटरनल कंसिस्टेंसी को असेस करने के लिए जो मेथड यूज़ में लिया जाता है जो टेक्निक यूज़ में ली जाती है वो होती है आपकी स्प्लिट हाफ टेक्निक। इन दिस टेक्निक टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन टूल्स, यानी कि इसके अंदर टूल्स के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, उनको दो भागों में हम बांट देते हैं ओड इवन फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ आइटम्स एटसेट्रा। यानी कि उसे ओड इवन में हम बांट देते हैं या फिर फर्स्ट हाफ या फिर सेकेंड हाफ आइटम्स में हम उनको डिवाइड कर देते हैं। देन द टूल्स इज एडमिनिस्टर्ड टू द सब्जेक्ट, फिर जो टूल्स होते हैं उनको सब्जेक्ट्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं। द टोटल स्कोर ऑफ ईच हाफ इज कंप्यूटेड, जो भी स्कोर हमें प्राप्त होता है टोटल स्कोर प्रत्येक हाफ का उनको हम कंप्यूटेड कर लेते हैं। एंड देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कैलकुलेट बिटवीन टू सेट ऑफ स्कोर, फिर उसके बाद हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट के जरिए उन दोनों स्कोरों के बीच का हमको कैलकुलेट कर लेते हैं। द स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला इज यूज एज गिवन बिलो, फिर हम जो स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। इसमें R1 इज इक्वल टू 2R अपॉन 1+R, जहाँ पर वेयर R इंडिकेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूटेड ऑन द स्प्लिट हाफ। यानी कि R जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो स्प्लिट हाफ जो हम कंप्यूटेड किया था वो होती है और R1 जो होता है जो एस्टिमेट रिलायबिलिटी होती है पूरे टेस्ट की वो उसको हम R1 से डिनोट करते हैं।
तो ये होती है हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड एस्पेक्ट है, वो होता है आपका इक्वलेंस, जिसे हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक सिंगल फिनोमिना होता है उसको क्या है कि हम दो डिफरेंट ऑब्जर्वर द्वारा ऑब्जर्व कराते हैं, फिर उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको क्या है कि हम कैलकुलेट करते हैं, और उनको क्या है कि हम उनकी जो रिलेशनशिप है उनके ऑब्जर्वेशंस की, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको क्या है कि हम देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ रिलायबिलिटी इज एस्टिमेटेड व्हेन ए रिसर्चर इज टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ए टूल। इस प्रकार का जो एस्पेक्ट होता है रिलायबिलिटी का, वो रिसर्चर द्वारा जब कोई भी टूल्स होता है उसकी रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए किया जाता है। विच इज़ यूज बाय टू डिफरेंट ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व ए सिंगल फिनोमिना सिमुलेशनली एंड इंडिपेंडेंटली। इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट ऑब्जर्वर द्वारा एक सिंगल फिनोमिना को एक साथ या फिर इंडिपेंडेंटली तरीके से क्या है कि ऑब्जर्व किया जाता है, और टू प्रिज्यूमली पैरेलल इंस्ट्रूमेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड टू एन इंडिविजुअल एट अबाउट द सेम टाइम्स। और दो जो प्रिज्यूमली पैरेलल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि जो एक जैसे दिखाई देने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको क्या है कि हम उन इंडिविजुअल्स पर एडमिनिस्टर्ड कराते हैं सेम समय पर। देन टू और मोर ऑब्जर्वर रेट द सेम सब्जेक्ट। फिर दो या दो से अधिक जो ऑब्जर्वर होते हैं वो उस सेम सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना जो रेट है वो रेटिंग करते हैं। देन एंड देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कंप्यूटेड टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देयर ऑब्जर्वेशन। फिर जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो फॉर्मूला है उसके ज़रिए हम उनकी जो स्ट्रेंथ है, यानी कि जो उनके ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने किया था उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको क्या है कि हम कंप्यूटेड करते हैं। द मोस्ट यूजली स्टैटिक्स टेक्निक्स आर इंटर क्लास कोरिलेशन कोएफिशिएंट रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। सबसे ज़्यादा जो स्टैटिक्स टेक्निक्स हम यूज करते हैं इसके लिए वो होती है आपके इंटर क्लास कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रैंक ऑर्डर कोरिलेशंस। तो ये तो होता है आपका रिलायबिलिटी। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, वो होता है हमारा पायलट स्टडी। पायलट स्टडी क्या होती है, यानी कि कोई भी जब हम मेन स्टडी बनाते हैं तो उसका क्या है कि पहले एक हम ट्रायल वर्जन बनाते हैं, यानी कि उसका एक संक्षिप्त रूप हम तैयार करते हैं, जिससे होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उनका क्या है कि हम पहले ही उसका सोल्व हम कर सकें, और सही तरीके से जो भी डिजाइन हमको देनी होती है पायलट स्टडी के लिए वो सही तरीके से हम दे सकते हैं। तो इसे हम क्या है कि एक रिहर्सल भी बोल सकते हैं किसी मेन स्टडी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ए पायलट स्टडी इज ए मिनिएचर ट्रायल वर्जन ऑफ द प्लान स्टडी, यानी कि जो भी हम प्लान स्टडी तैयार करते हैं उसका एक मिनिएचर ट्रायल वर्जन होता है, यानी कि एक संक्षिप्त एक ट्रायल वर्जन होता है पायलट स्टडी। इट इज़ ए स्मॉल स्केल वर्जन ऑफ द मेजर स्टडी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर इम्प्रूविंग द प्रोजेक्ट और फॉर असेसिंग इट्स फैसिबिलिटीज़। यानी कि ये एक स्मॉल वर्जन होता है किसी भी मेजर स्टडी का, जिसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है उसको क्या है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और इसके जो फैसिबिलिटीज़ हैं यानी कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो भी पोटेंशियलिटी है उसको क्या है कि हम असेस कर सकें। इट इज़ द रिहर्सल ऑफ द मेन स्टडी टू इम्प्रूव द डिज़ाइन ऑफ रिसर्च। ये मेन स्टडी का रिहर्सल हम इसे बोल सकते हैं, जो क्या है कि रिसर्च की जो डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव करती है। पायलट स्टडी कवर द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिसर्च। पायलट स्टडी जो संपूर्ण जो रिसर्च है उसको कवर करती है। इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ ब्रॉड प्लान ऑफ द स्टडी, यानी कि जो ब्रॉड प्लान होता है स्टडी का उसको उस वो भी क्या है कि इसके अंदर प्रिपेयर किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टूल्स, यानी कि टूल्स जो होते हैं उनको भी एडमिनिस्टर किया जाता है। इसमें भी डाटा को कलेक्शन किया जाता है, और जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको क्या है कि हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेट भी करते हैं। तो ये होता है हमारा पायलट स्टडी का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन पर। तो पायलट स्टडी इज ए स्मॉल वर्जन ऑफ ए स्टडी कैरीड आउट बिफोर द एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन इज डन। पायलट स्टडी एक स्मॉल वर्जन होता है एक स्टडी का, जिसको हम कोई भी जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन होता है उससे पहले उसको हम करते हैं, उसको हम बनाते हैं। यानी कि कोई भी एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन यदि हम करते हैं तो उससे पहले हम उसका एक स्मॉल वर्जन बनाते हैं, उसे हम पायलट स्टडी कहते हैं। तो रिसर्चर यूज इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इन पायलट स्टडीज टू रिफाइन और मॉडिफाइड द रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर ए स्टडी एंड टू डेवलप लार्ज स्केल
स्टडीज़, यानी कि जो रिसर्चर होता है जो पायलट स्टडी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है उसको यूज करता है, उसको रिफाइन करता है और उसको जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको क्या है कि मॉडिफाई करता है अपनी स्टडी के लिए, ताकि उसको क्या है कि लार्ज स्केल स्टडी के लिए डेवलप किया जा सके। तो ये तो होती है आपकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसके पर्पज और फंक्शन या एडवांटेज, यानी कि तीनों ही चीज़ इनसे हमें प्राप्त हो जाती है, पर्पज, फंक्शन और एडवांटेज। तो फर्स्ट जो आता है आपका असेसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी सब्जेक्ट, यानी कि इसके जरिए हम इसका ये उद्देश्य ये होता है कि हम जो भी स्टडी सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमको क्या है कि अवेलेबल हो जाते हैं, उसको क्या है कि हम आसानी से असेस कर पाते हैं। इंश्योरिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेथड्स एंड प्रोसीजर ऑफ डाटा कलेक्शन, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो उसके जो भी अप्रोप्रिएट मेथड्स या प्रोसीजर होते हैं उससे क्या है कि हम इंश्योर हो जाते हैं। इसके अलावा रिफाइन द स्टडी मेथोडोलॉजी, जो भी हम स्टडी मेथोडोलॉजी तैयार करने वाले होते हैं अपनी स्टडी के लिए वो क्या है कि इसके ज़रिए हम रिफाइन कर सकते हैं। प्लानिंग फॉर द डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनल लार्जर रिसर्च, कोई भी जो फाइनल रिसर्च लार्जर जो रिसर्च हम बनाते हैं तो उसको क्या है कि हम पहले से ही उसकी जो डाटा एनालिसिस है और उसका जो इंटरप्रिटेशन है उसकी प्लानिंग हम इसके अंदर कर लेते हैं। डेवलपिंग एंड टेस्टिंग सफिशियंसी ऑफ ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं तो उसकी क्या है कि हम टेस्टिंग जो सफिशियंस जो टेस्टिंग होती है जो डेवलपिंग होती है वो इसके द्वारा हम पहले ही कर लेते हैं। असेसिंग वेदर द रिसर्च प्रोटोकॉल इज प्रैक्टिकेबल एंड वर्केबल, इसके अलावा हम जो रिसर्च के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो प्रैक्टिकेबल और जो वर्केबल है उनको भी क्या है कि हम असेसेबल कर लेते हैं। असेस अवेलेबल सैम्पलिंग फ्रेम फॉर एडिक्वेसी कंप्लीटनेस एक्यूरेसी एंड कन्वीनियंस, इसके अलावा सैम्पलिंग फ्रेम जो अवेलेबल सो सैम्पलिंग फ्रेम है उसकी जो एडिक्वेसी है उसकी कंप्लीटनेस है उसकी एक्यूरेसी है और उसकी जो कन्वीनियंस है उसको क्या है कि हम असेस कर सकते हैं। एस्टिमेट द प्रोबेबल कॉस्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ द मेन स्टडी, और मेन स्टडी के अंदर प्रोबेबल कॉस्ट क्या रहेगी क्या ड्यूरेशन उसका रहेगा उसको भी क्या है कि हम एस्टिमेट इससे कर सकते हैं। तो ये तो हो जाते हैं आपके इसके पर्पज, फंक्शन और एडवांटेज। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर फॉर पायलट स्टडी, यानी कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं पायलट स्टडी बनाने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट, पायलट स्टडी शुड बी कैरिड आउट विद एज मच केयर एज द मेजर स्टडी सो दैट डिटेक्टेड वीकनेस और प्रॉब्लम मस्ट बी रेडिगेटेड बिफोर द मेजर स्टडी इज अटेम्प्टेड, यानी कि पायलट स्टडी हम जब बनाते हैं तो उसको उसी प्रकार से हमको केयर करनी चाहिए, उसको उसी तरह से बनाना चाहिए जैसे हम मेजर स्टडी को तैयार करते हैं, जिससे क्या है कि जो भी उसकी वीकनेस होती है जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होती है उसको क्या है कि हम डिटेक्ट कर सकें और उसको जब मेजर स्टडी हम बनाते हैं उससे पहले क्या है कि हम उसको रेडिगेट कर सकें। आफ्टर पायलट स्टडी द रिसर्चर शुड मेक द रिविजन एंड रिफाइनमेंट इन हिज जजमेंट टू एलिमिनेट और रिड्यूस द प्रॉब्लम एनकाउंटर ड्यूरिंग द पायलट स्टडी, जब हम पायलट स्टडी बनाते हैं यानी कि आफ्टर द पायलट स्टडी के बाद जो रिसर्चर शुड मेक द रिविजन एंड रिफाइनमेंट, यानी कि जब हम पायलट स्टडी बना लेते हैं तो रिसर्चर को क्या है कि उसका रिविजन भी करना चाहिए और उसका रिफाइनमेंट भी करना चाहिए, यानी कि उसका जो जजमेंट है जो उसने लिए हैं उस पायलट स्टडी के लिए उनका रिविजन और रिफाइनमेंट भी उसको करना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स फेस होती है एनकाउंटर होती है पायलट स्टडी के दौरान तो उस प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सके और उसको एलिमिनेट किया जा सके। नेक्स्ट आता है आपका, यूजली 10% सब्जेक्ट ऑफ सैंपल साइज आर इंक्लूडेड इन द पायलट स्टडी, पायलट स्टडी के अंदर भी हम जो सैंपल यूज में लेते हैं वो कम से कम 10% जो सैंपल साइज है वो हमको लेने चाहिए, ताकि हम उसका एक रिलायबल तरीके से उसका सही तरीके से हम आगे की स्टडी बना सकें। सब्जेक्ट फॉर ए पायलट स्टडी शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन एज फॉर द मेन स्टडी बट द सब्जेक्ट ऑफ पायलट स्टडी शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन मेन स्टडीज, यानी कि जो भी पायलट स्टडी हम तैयार करते हैं तो उसके लिए जो भी सब्जेक्ट्स हम लेते हैं वो सेम पॉपुलेशन से ही हमको सेलेक्ट करने होते हैं जो हम मेन स्टडी के लिए तैयार करते हैं। एज फॉर द मेन स्टडी बट द सब्जेक्ट्स ऑफ पायलट स्टडी, लेकिन जो सब्जेक्ट हम पायलट स्टडी के अंदर जो यूज़ में लेते हैं जो इंक्लूड करते हैं वो मेन स्टडी के अंदर हमको इंक्लूड नहीं करने
चाहिए। समझ में आई बात? तो इसमें क्या बताया है कि यानी कि जो भी हम पायलट स्टडी के अंदर जो सब्जेक्ट्स हम यूज में ले रहे हैं तो वो सेम पॉपुलेशन से लेने हैं हमको, यानी कि उसी पॉपुलेशन से जिसके जिससे क्या है कि हम अपनी मेन स्टडी तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट्स हम लेते हैं वो उन सब्जेक्ट्स को हमको मेन स्टडी के अंदर उनको इंक्लूड नहीं करना है, इनके अलावा हमें उसी पॉपुलेशन से दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेना होता है। ये बात ध्यान रखने वाली है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है आपका, डाटा कलेक्टेड फॉर द पायलट स्टडी शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेन स्टडी, यानी कि पायलट स्टडी के अंदर जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको मेन स्टडी के अंदर भी इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी कि जो मेन स्टडी हम बनाते हैं उसके लिए हम जो डाटा लेते हैं वो भी हम दूसरा डाटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं इसके अंदर वो उस सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं जो हमने पायलट स्टडी के लिए सेलेक्ट किए थे, और जो मेन स्टडी के लिए जो सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट होते हैं तो उसका जो डाटा आएगा वो भी हमें डिफरेंट प्राप्त होगा। इसलिए हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे पायलट स्टडी के लिए उसको हम मेन स्टडी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा प्रेडिक्शन और अजम्पशन बेस्ड ऑन द पायलट स्टडी शुड बी मेड केयरफुली, यानी कि पायलट स्टडी के अंदर जो भी प्रेडिक्शंस या जो भी अजम्पशन हम करते हैं वो केयरफुल तरीके से करने चाहिए जैसे हम मेन स्टडी के लिए करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो हमको याद रखने होते हैं पायलट स्टडी के लिए। तो ये होता है आपका पायलट स्टडी। तो पायलट स्टडी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्या है कि आपके एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, और ये शॉर्ट नोट्स के अंदर आपके ये आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं डाटा कलेक्शन प्रोसीजर एंड प्रोसेस का, यानी कि डाटा कलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनाया है इसके अंदर, तो आप देखिए इसमें क्या है। पहला जो इसके अंदर आता है इसमें छः जो स्टेप्स होती है, यानी कि सिक्स स्टेप्स जो होती है डाटा कलेक्शन प्लान की, उसके ज़रिए हम क्या है कि ये प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट आती है आपकी आइडेंटिफाई द डाटा नीड्स, सेकंड आती है आपकी सिलेक्टिंग टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड, थर्ड आती है आपकी सिलेक्टिंग एंड डेवलपिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और फोर्थ आती है आपकी डेवलपिंग डाटा कलेक्शन फॉर्म्स, और फिफ्थ आता है आपका डेवलपिंग डाटा कलेक्शन प्रोटोकॉल्स, और सिक्स्थ आता है आपका इंप्लीमेंटिंग डाटा कलेक्शन प्लान। तो ये जो सिक्स स्टेप्स है इसके ज़रिए हम डाटा कलेक्शन तैयार करते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है, ये स्टेप्स होती है, इसके ज़रिए हम डाटा कलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं और उसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो आइए इनके इनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो आता है आपका आइडेंटिफाई द डाटा नीड्स, इसमें क्या होता है, द फर्स्टली रिसर्चर शुड डिटरमाइन द नीड ऑफ डाटा कलेक्शन एंड टाइप्स ऑफ डाटा नीडेड टू कंप्लीट द स्टडीज, यानी कि इसके अंदर हम डाटा क्यों हमें आवश्यक है इसको क्या है कि हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्टली जो रिसर्चर होता है वो ये डिटरमाइन करता है, वो ये निर्धारण करता है कि हमें डाटा कलेक्शन की आवश्यकता क्यों है और किस प्रकार का जो डाटा है वो हमारी स्टडी के लिए आवश्यक है ताकि हमारी स्टडी कंप्लीट हो सके। तो ये हमको क्या है कि इस प्रोसेस के अंदर, इस स्टेप के अंदर हमको जानना होता है, हमको आइडेंटिफाई करना होता है। तो रिसर्चर में नीड टू आइडेंटिफाई डाटा रिक्वायरमेंट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिसर्चर के लिए आवश्यक जो भी आइडेंटिफाई डाटा के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सैंपल करेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्रिप्शंस, कंट्रोल्स ऑफ वेरिएबल्स, पोटेंशियल बायस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेटिंग ऑफ रिजल्ट्स, चेकिंग ऑफ मैनिपुलेशन एंड ऑप्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें, ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये हमें क्या है कि पहले आइडेंटिफाई करनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्टिंग टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड। आफ्टर डाटा नीड्स आइडेंटिफाई द नेक्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट ए डाटा कलेक्शन मेथड फॉर ईच वेरिएबल्स। तब एक बार हम डाटा की जो आवश्यकता है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होती है वह डाटा कलेक्शन मेथड्स को सिलेक्ट करने की होती है प्रत्येक वेरिएबल्स में से। देयर आर सम फैक्टर्स दैट ड्राइव डिसीजन, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स आपको दिए गए हैं, बताए गए हैं जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं अबाउट द मेथड टू यूज़ द कलेक्टिंग डाटा, कि डाटा कलेक्टिंग के लिए हमें कौन कौन से मेथड को हमको यूज में लेने चाहिए। तो इसमें आपके आते हैं पहले द नेचर ऑफ स्टडी, स्टडी किस प्रकार की है उसका नेचर कैसा है, द यूनिट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी जो हम किस प्रकार की करनी चाहिए, अगर सही तरीके से हम इंक्वायरी कर रहे हैं, कैसी इंक्वायरी हम कर रहे हैं तो उसके अनुसार हमें उसी प्रकार का मेथड यूज़ करना है, द साइज़ एंड स्प्रेड ऑफ द सैंपल,
कितनी साइज और स्प्रेड सैंपल हमें लेना है उसके हिसाब से हम डाटा कलेक्टर कलेक्शन मेथड उपयोग में लेंगे। द एजुकेशन लेवल ऑफ द रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट का एजुकेशन लेवल क्या है। द टाइप एंड डेप्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड, किस प्रकार का और कितनी गहराई तक हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। द एबिलिटी ऑफ स्किल एंड ट्रेंड मैन पावर, स्किल और ट्रेंड मैन पावर की हमें उपलब्धता कैसे है। और रेट ऑफ एक्यूरेसी, रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द डाटा रिक्वायर्ड, और किस प्रकार की एक्यूरेसी हमें चाहिए और किस प्रकार का जो डाटा है वो रिप्रेजेंटेटिव करने वाला होना चाहिए। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें क्या है कि हमें पता होना चाहिए। ये जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करेंगे हमारे डिसीजन को, जिससे क्या है कि हम अपना जो मेथड्स हैं जो डाटा कलेक्शन के लिए वो क्या है कि हम सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए हमें ये फैक्टर्स को ध्यान में रखने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्टिंग एंड डेवलपिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद डाटा प्रोसेस में जो नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करना और उसको डेवलप करना, यानी कि पोटेंशियल डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट शुड बी असेस फॉर देयर अप्रोप्रिएटनेस। जो भी पोटेंशियल डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भी आपको चाहिए उनको क्या है कि आपको असेस करना होता है, उनकी अप्रोप्रिएटनेस आपको असेस करनी होती है कि वो सही तरीके से काम करे। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी कंसेप्चुअली रिलीवेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम इसके अंदर यूज करेंगे वो कंसेप्चुअली तरीके से रिलीवेंट होने चाहिए, यानी कि विश्वसनीय होने चाहिए। द सम फैक्टर इन सिलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, कुछ फैक्टर्स हैं जो हम इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने के अंदर हम देखते हैं, जैसे कि कॉस्ट हम देखते हैं, ज़्यादा महंगा जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हम ज़्यादा यूज़ में नहीं लेते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी उपलब्धता ये फैक्टर है, ये भी क्या है कि हमें देखनी होती है कि वो उपलब्ध है या नहीं। इजीनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सही तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेट हो जाता है नहीं हो जाता है। टाइम टेकन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कितना समय वो लेता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और अप्रोप्रिएट फॉर पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं पॉपुलेशन में से, उनके लिए वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो हम क्या है कि यहाँ पर देखते हैं, ताकि जिससे क्या है कि हम जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही तरीके से सेलेक्ट कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपिंग डाटा कलेक्शन फॉर्म्स। इसके बाद कुछ डाटा कलेक्शन फॉर्म्स होते हैं उनको क्या है कि हम डेवलप करते हैं। तो दीज फॉर्म ऑफ डेवलप फॉर्म फॉर नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इस प्रकार के जो फॉर्म्स होते हैं उनको क्या है कि हम डेवलप करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर टास्क के आधार पर, यानी कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर टास्क हैं जितने प्रकार के हैं, जितने नंबर के हमें एडमिनिस्ट्रेटर टास्क मिलते हैं उसी प्रकार से हम वो फॉर्म्स को डेवलप करते हैं। केयर शुड बी टेकन टू डिजाइन फॉर्म टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, जो इसके बाद हम जो भी फॉर्म हम तैयार करते हैं तो उनकी क्या है कि केयर उनकी क्या है कि हमें रखनी होती है, ताकि जो भी ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि वो कॉन्फिडेंशियल रहे, उनकी जो डिज़ाइन है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, तो इसके लिए क्या है कि हमको उनकी केयर हमको करनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपिंग डाटा कलेक्शन प्रोटोकॉल्स की। डाटा कलेक्शन के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी हमको यहाँ पर डेवलप करने होते हैं। तो दीज इंक्लूड कंडीशंस फॉर कलेक्टिंग द डाटा, इस प्रकार इसमें क्या होता है कि दीज इंक्लूड कंडीशंस फॉर कलेक्टिंग द डाटा, इसमें क्या होता है कि हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसकी कंडीशंस को भी क्या है कि यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेटिंग, उसकी क्या सेटिंग्स हैं, सीक्वेंसिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का क्या सीक्वेंस रहेगा, इंस्ट्रक्शंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स के प्रति क्या इंस्ट्रक्शंस रहेगा, एथिकल कंसिडरेशन क्या रहेंगे। तो ये क्या है कि एक प्रोटोकॉल्स होते हैं जो क्या है कि हमारे डाटा कलेक्शन के लिए डेवलप करने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग डाटा कलेक्शन प्लान की। इसके बाद हमने डाटा कलेक्शन तैयार कर लिया, उसका प्रोसेस हमारी पूरी कंप्लीट होती है, तो इसके बाद हम क्या है कि जो भी हमने तैयार किया है तो वो हम उसको क्या है कि इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हमारा एक्चुअल जो कलेक्शन हमारा डाटा का आता है उसको क्या है कि हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इट इंक्लूड एक्चुअल कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि जो एक्चुअल कलेक्शन हमने डाटा का किया है उसको क्या है कि हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये हमारा जो डाटा कलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। और इसी के साथ आपकी जो यूनिट है मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम या समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और यदि इसकी जो नोट्स हैं आपको PDF में अगर यदि आपको चाहिए तो आप इसे व्हाट्सएप जो ग्रुप है अपना कॉलेज का उससे क्या है कि वो आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।